BMW RR310 है। अच्छे भाई, पूरे इंडिया में ऐसी बाइक नहीं है। Train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre is who I grew up on. I've been selling game, got you. So hello road runners, how are you guys? Welcome back to the channel and आज हम लोग के साथ में है BMW RR310। इसको अपाचे RR310 नहीं बोलेंगे, ये BMW RR310 है। और जैसा कि ये देख सकते हो, कोई भी एक बार देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये कोई TVS की बाइक है या कोई और बाइक है, क्योंकि आपको कहीं से भी नहीं लगेगा, सिर्फ इस लोगो को हटा दें तो। और पूरी बाइक एकदम आपको लगेगी BMW एंड ये बाइक बिलोंग करती है सोहेल भाई को। तो जो भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जो है यूनिक है और पूरे इंडिया में एक है सिर्फ। तो इसमें जो भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हुए हैं भाई, वो एकदम अलग हुए हैं, एकदम सबसे हट के हुए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें अलग ही बनवा देते हैं, अलग ही एक्सेसरीज़ वगैरह डलाते रहते हैं, तो वो सबसे एकदम अलग ये बाइक है। भाई का भी चैनल बहुत जल्द आने वाला है, तो सिरेमिक हो रखी है इस बाइक पर, तो एक जगह अच्छे से रुकेंगे और दिखाएँगे आप लोग को बाइक पूरी। ब्रांड मतलब बाइक का ब्रांड बदलने की कोशिश की गई है कि अगर ये कहीं बाइक खड़ी हो जाती है तो जो लोग बाइक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं वो लोग नहीं बता पाएंगे कि ये बाइक TVS की है। वो लोग को लगेगा कि ये BMW ही खड़ी है अपने पास में। थोड़ा सा हैंडल जो है वो भारी लग रहा है, मे बी टायर प्रेशर कम हो। तो यही वाली RR310 आती है, उसमें सिर्फ चेंज कुछ भी नहीं है, पावर वाइज तो उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, बट वाइब्रेशंस जो है वो थोड़े कम हो गए हैं और राइट बाइक वायर आ गया है। तो मतलब भाई बाइक को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखता है। और जो नई वाली अपाचे RR310 आती है उसमें थोड़े ज़्यादा स्विच और थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें कई सारे मोड आते हैं एंड उसमें जो ABS है वो भी मोड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। भाई 131, जो भी काम हुआ है भाई अपना अलग से करवाया है, और बाकी इसका सिरेमिक जो हुआ है वो अंडर द हुड से हुआ है, जैसा कि जो लोग भी वाराणसी से वो लोग भी जानते हैं। एंड अंडर द हुड में हम जितना भी होता है सारा काम कराते हैं। तो सबसे पहले इस बाइक के पूरे मज़े लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छी बहुत प्यारी बाइक भाई ने बनाई है। और अभी जो है ये गाड़ी जो है 15,590 किलोमीटर चली हुई है, तो इसका एक 0 to 100 करते हैं। पहले रोड हो जाने देते हैं पूरा खाली एंड यहाँ से तो जगह पे रोकता हूँ और रोक के दिखा देता हूँ इसके डिटेल्स। सो दिखा दें आप लोग को इसका डिटेल पूरा। तो यहाँ पे एक BMW का लोगो और यहाँ से जो भी कुछ है अपाचे का सिग्नेचर वो हटा दिया गया। अगर आप इस चीज़ को ना देखो तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सी बाइक है। एंड यहाँ से ब्लैक कलर भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रात है तो इस टाइम पे पता नहीं चल रहा है कि कैसी लग रही है। और इसका सिर्फ 15,000 चली हुई है, बाकी इस पर बाइक पे सिरेमिक कोटिंग हो रखी है। और इस पर जो भी वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बता देना, तो वो वीडियो हम लोग ला देंगे। एंड एक और चीज़ भाई, इसके पहले हम लोग एक स्ट्रीट रेस शूट किए थे MT वर्सेस RR310। भाई साहब क्या मस्त रेस हुआ था, लेकिन GoPro जो धोखा दिया है ना भाई, बता नहीं सकते, एकदम सब लोग पूरा मूड ख़राब हो गया भाई।
तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। और इसमें डले हुए हैं अपोलो के अल्फा H1 और बाकी 15,000 किलोमीटर चली हुई है, फिर भी गाड़ी एकदम फुल्ली मेंटेन है। एंड ये परफॉर्मेंस, और इसमें मतलब इसको भरने की कोशिश की गई है कि ये पूरी तरह BMW है। एंड सच में कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि हाँ ये BMW नहीं है, ये BMW की बाइक है और इंडियाज़ फर्स्ट है भाई। पूरे इंडिया में ऐसी बाइक नहीं है, बहुत सारे मॉड नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना वो प्रीमियम है और आपको बहुत अलग सा फील कराएंगे। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।